हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास फॉर्टनाइट में ये एरर आ रहा है लॉन्च फेल्ड, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं विंडोज पीसी में से। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो जैसे कि दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टेप नंबर वन, आपको यहाँ पर जो इपिक लॉन्चर दिख रहा है, आपको इसको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स में चेक करना है रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर टू, आपको विंडोज 11 के सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेट टाइम ऑटोमेटिकली, इस फीचर को आपको ऑन कर देना है यहाँ पर से ओके। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, तो आपको ये भी फीचर आपके पास ऑन होना चाहिए। उसके बाद आप जो है सेटिंग को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर थ्री, उसके बाद आपको विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहां पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए वाईफाई नेटवर्क, आप जो भी वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको राइट क्लिक कर यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले फीचर को आपको सेलेक्ट कर देना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहां पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर। उसके बाद आपको यहां पर प्रीफर्ड DNS सर्वर इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद अल्टरनेट DNS सर्वर इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर यहां पर ऑल सेटिंग को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने PC या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।